नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सुरेश कुमार शिवलिया पिछले चैनल में पिछली वीडियो में मैंने कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बता रहा था। अचानक मुझे कोई अर्जेंट काम हो गया, इसलिए मैं चला गया, इसीलिए आपको पूरा नहीं बता पाया दोस्तों। तो अभी क्या है कि मैं आपको जो बकाया रह गया उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। अभी देखिए, कॉन्ट्रैक्टर में बारे बता दिया था मैंने, टर्मिनल के बारे में, और मैं बता रहा था आपको अपन इसमें सप्लाई कैसे देंगे दोस्तों। दोस्तों ये देख रहे हो, A2 दिख रहा है आपको, ये A2, और इसमें है सर दोस्तों A1। A2 था, ये A1 है दोस्तों, A2 और A1, और A1 और A2 दो है दोस्तों टर्मिनल। इसमें क्या करेंगे, एक पे अपन न्यूट्रल जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, कोई से भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पे जोड़ेंगे अपन फेस, जिससे अपन किस चीज़ से अपन ये कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, किस चीज़ से कॉन्टेक्टर को होल्ड करवाना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपने एक वो जोड़ लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उससे क्या, इसमें जो कोयल है दोस्तों, मैंने आपके लिए बताया था कोयल कहाँ होती है, ये देखो दोस्तों, इसमें कोयल होती है दोस्तों। कोयल को सप्लाई देंगे दोस्तों, तो क्या है कि कोयल इसमें रहती है, इसमें मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनता है तो क्या होता है, इसमें जो अंदर से ये है ना, ये चिपक जाता है अंदर दोस्तों, ये चिपक जाएगा अंदर। ठीक है दोस्तों, जैसे चिपकेगा कोयल इसको होल्ड कर लेगी दोस्तों कॉन्टैक्ट को। ठीक है दोस्तों, इसको होल्ड कर लेगी तो ये कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया मैंने आपको, ये टर्मिनल होते ही हैं 1 2 3, 1 2 3, इसमें अपन फेस जोड़ते हैं, और आर फेस जोड़ दो, वाई फेस जोड़ दो, बी फेस, रेड येलो और ब्लू। ठीक है दोस्तों, इसमें इसको आउटपुट निकाल लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे होल्ड होगा इधर से सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी निकलना। ठीक है दोस्तों, आपको बताया मैंने A1 और A2। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, सप्लाई अपन कोयल में सप्लाई देंगे इन दोनों से, या इसमें न्यूट्रल जोड़ दो, या इसमें जोड़ दो, या इसमें फेज जोड़ दो, या इसमें फेज जोड़ दो, वो आपके हिसाब से कैसे जोड़ सकते हो उसमें। ठीक है, न्यूट्रल और फेस। ठीक है दोस्तों, कई कॉन्ट्रैक्टर में सर बता रहा हूँ कोयल होती है जो टू फेस की होती है दोस्तों, इसमें अपन टू फेस देंगे तो कोई ऑपरेट होगी, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। अदरवाइज किसी में सिंगल फेस होता है, न्यूट्रल और फेस से काम चल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने बता दिया कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, और आपको कुछ और भी जानना हो तो कमेंट में लिखे दोस्तों। हाँ दोस्तों सॉरी, एक मैं और बताना चाहता हूँ आपको, इसमें आप एक पॉइंट देख रहे हो NO और नीचे दो पॉइंट है दोस्तों, इसमें ऊपर वाला तो है दोस्तों NC का पॉइंट हो गया, नीचे वाला हो गया NO का पॉइंट दोस्तों। ये NO का पॉइंट है और अपना ये NC का पॉइंट है, ये कंट्रोल वायरिंग में दोस्तों काम आता है, आप इतना ही समझिए। अभी आपको बाद में आगे बताऊंगा दोस्तों इन सब की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, इसका वायर कनेक्शन कैसे होता है, और इसको हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, NC NO स्विच से अपन कैसे ऑपरेट करेंगे, NO NC स्विच क्या होता है दोस्तों। और मैं काफ़ी सारी वीडियो डालूंगा दोस्तों इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रिकल के जो भी पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल में जो भी इक्विपमेंट यूज में आते हैं दोस्तों, उन सब के बारे में वीडियो डालूंगा दोस्तों। बस आप लोगों से निवेदन इतना ही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, जितना आप जो भी वीडियो देखे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे एक उम्मीद बंधे कि हाँ भाई मेरे चैनल को लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिले दोस्तों, इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ मेरा चैनल।
आपसे यही निवेदन है कि दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ दोस्तों, इससे कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल सके। दोस्तों आपको अच्छा लगे तो लाइक करो सर, और आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करो दोस्तों, लेकिन आप कुछ ना करो। मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, NCNO स्विच क्या होता है, सब कनेक्शन कैसे होते हैं, टाइमर का स्विच कनेक्शन बताऊंगा, रिले का कनेक्शन बताऊंगा, अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। बस इतना सा है कि बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का चिन्ह आएगा सर दोस्तों, एक घंटे का चिन्ह आएगा, उस घंटे को दबाओगे तब क्या होगा कि आपको जो भी ना मतलब कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा दोस्तों जो आपके पास पहुंच जाएगी, आपको संकेत हो जाएगा कि ये यही वीडियो डाला है और ये वीडियो आप उसमें देख सकते हो दोस्तों। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी अलविदा लेता हूँ दोस्तों, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।